टीवी इंडस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी शोज में काम करते करते कई एक्टर्स अपनी ही को-स्टार के साथ प्यार में पड़ जाते हैं और आगे चलकर उनसे शादी भी करते हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे अभिनेता भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी को-स्टार्स के साथ लव रिलेशन रखा और उनका रिलेशन टीवी में काफी पॉपुलर भी हुआ। लेकिन जब बात शादी करने की आई तो उन सभी एक्टर्स ने अपनी एक्ट्रेस से शादी नहीं की जिससे वो प्यार करते थे, बल्कि किसी और के साथ साथ फेरे लिए। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने प्यार किसी और से किया और शादी किसी दूसरे से। तो आइए जानते हैं कौन है वो अभिनेता। नंबर 5, गौरव चोपड़ा। टीवी के जाने माने अभिनेता हैं गौरव चोपड़ा, जो एक समय तक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ लव रिलेशन में रहे और हर तरफ केवल उनके ही प्यार के चर्चे हुआ करते थे। दोनों के बीच में नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि सभी को लगने लगा था कि ये लोग शादी करेंगे। लेकिन जल्द ही इन्होंने अपने ब्रेकअप की खबरों से सभी को चौंका दिया। मौनी के साथ प्यार और फिर ब्रेकअप के बाद इन्होंने फैशन कंसल्टेंट हितिशा से साल 2018 में साथ फेरे लिए, जिनके साथ आज भी ये खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 4, मनीष रॉय सिंघानिया। ससुराल सिमर का सीरियल में मनीष रॉय सिंघानिया अबिका गौर के अपोजिट काम करते थे और देखते ही देखते ये ऑन स्क्रीन कपल कब ऑफ स्क्रीन में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों अक्सर साथ में कई रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करते थे और लोगों को भी इनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी काफी पसंद आने लगी थी। लेकिन दोनों के रिश्ते में जल्द ही दरार आ गई और दोनों अलग हो गए, जिसके बाद मनीष ने हाल ही में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस संगीता चौहान से शादी कर ली और सभी को चौंका दिया। नंबर 3, शरद मल्होत्रा। बनू में तेरी दुल्हन सीरियल में काम करने के बाद शरद मल्होत्रा अपनी को-स्टार दिव्यांका त्रिपाठी के साथ लव रिलेशन में बंध गए थे। दोनों का रिश्ता दिन पर दिन काफी खूबसूरत होता गया। जब बात शादी की आई तो शरद ने यह कहकर दिव्यांका से शादी नहीं की कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और ब्रेकअप कर लिया, जिसके कुछ साल बाद इन्होंने दिल्ली के फैशन डिजाइनर रिप्सी भाटिया के से साल 2019 में शादी कर ली। नंबर 2, अविनाश सचदेव। छोटी बहू सीरियल में काम करने के बाद अविनाश अपनी ही को-स्टार रूबीना दिलाइक के प्यार में पड़ गए थे। दोनों अक्सर साथ में स्पॉट किए जाते थे और देखते ही देखते इनका प्यार काफी गहरा हो गया था। इसके बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें भी सामने आई, क्योंकि इनका अफेयर किसी और एक्ट्रेस के साथ चल रहा था, जिसकी खबर ने सभी को चौंका दिया। जिस एक्ट्रेस के साथ इनका अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि श्यामली देसाई थी, जिनसे इन्होंने साल 2015 में शादी की और 2 साल बाद इन दोनों का तलाक भी हो गया। नंबर 1, करण पटेल। कुछ साल पहले अभिनेता करण पटेल काम्या पंजाबी के साथ लव रिलेशन में थे और दोनों टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल थे। कुछ चीजों ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया और जनवरी 2015 में इन्होंने अपने इस लॉन्ग टाइम रिलेशन को खत्म कर दिया, जिसके बाद दोनों टूट गए। पर इस ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद ही करण पटेल ने अपनी गर्लफ्रेंड और टीवी एक्ट्रेस अंकिता भार्गव से बड़ी ही धूमधाम से शादी कर ली और आज दोनों की एक बेटी भी है। तो दोस्तों, आप इनमें से किस एक्टर और एक्ट्रेस को शादी करते हुए देखना चाहते थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।